पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अभी इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि बाजार में बाजार का अर्थ क्या है, बाजार की विशेषताएं क्या होती है। यह हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और आगे हम तीन पार्ट को भी कवर करेंगे, यानी कि टोटल पार्ट हो जाएंगे फोर। इसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर सबसे पहले बाजार का अर्थ क्या होता है। तो बाजार का अर्थ यानी कि बाजार किसे कहते हैं, यानी कि मार्केट किसे कहते हैं। बाजार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है। ठीक है, बाजार किसे कहते हैं, जहां पर वस्तुएं कोई खरीद रहा है और कोई बेच रहा है। बेचने वाला कौन होता है, विक्रेता, और खरीदने वाला कौन होता है, उपभोक्ता। और ऐसे ही हम बाजार की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। बाजार की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित कौन कौन सी चीजें हैं, क्रेता तथा विक्रेता। पहले तो आप इसके इंट्रोडक्शन को जान लो ताकि आगे जब हम चैप्टर्स करें, टॉपिक करें, तो आसानी से हमें समझ आ जाए। क्रेता तथा विक्रेता, क्रेता का मतलब खरीदार, विक्रेता का मतलब बेचने वाला यानी कि उपभोक्ता। सॉरी, क्रेता मतलब उपभोक्ता, विक्रेता मतलब बेचने वाला। किसी बाजार के अस्तित्व के लिए क्रेता तथा विक्रेता का आपस में संपर्क अनिवार्य है। केवल क्रेता तथा विक्रेता में संपर्क होने पर भी कोई सौदा होता है। जब तक विक्रेता बेचेगा नहीं, क्रेता खरीद नहीं सकता। इसलिए दोनों के अंदर संपर्क का होना जरूरी है, यानी कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है कि विक्रेता जब बेचेगा तभी तो क्रेता खरीद पाएगा, यानी कि उपभोक्ता खरीद पाएगा। फिर है क्षेत्र। मनुष्य की आबादी के पास आपको आसानी से बाजार मिल जाएगा, किंतु वर्तमान विश्व में बाजार की किसी एक स्थान विशेष तक सीमित नहीं है। आज के इंटरनेट के युग में ऑनलाइन बाजार में तेजी से वृद्धि हो रही है, और जो किसी भौगोलिक क्षेत्र तरह सीमित नहीं है। एक क्रेता एक वस्तु का क्रय करने के लिए ऑनलाइन आदेश दे सकता है, इसलिए आधुनिक बाजार भौतिक तथा आभासी रूप से होता है। यानी कि पहले के टाइम पर तो ये था नहीं, अमेजोन जैसी साइट्स नहीं थी, एप्स नहीं थी, फ्लिपकार्ट नहीं था, शॉपक्लूज नहीं था, स्नैपडील नहीं था। पहले लोग बाजार में जाकर वस्तुओं को खरीदते थे। आज के समय में बाजार के साथ साथ क्या हो गया है, ऑनलाइन भी आप वस्तुओं को खरीद सकते हो और बेच भी सकते हो। तीसरा है वस्तु। क्रेता तथा विक्रेता के बीच सौदा किसी वस्तु तथा सेवा का ही हो सकता है, इसलिए एक बाजार का अतरंग भाग हो सकता है। यानी कि क्या होगा, वस्तु खरीद सकते हो आप बस, और सेवाएं खरीद सकते हो एक बाजार के अंदर। डी है यानी फोर्थ पॉइंट है, प्रतियोगिता के विभिन्न प्रकार। बाजार का प्रकार वस्तुओं को बेचने तथा वाले विक्रेताओं में प्रतियोगिता की मात्रा पर निर्भर करता है। जहां प्रतियोगिता की मात्रा अपने आप में इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं तथा बाजार में उपस्थित विक्रेताओं की संख्या कितनी है। इसके अंदर पता लगाया जाता है कि कितनी वस्तु बिकेगी, जितनी उतनी वस्तु बिकेगी जितने क्रेता होंगे, यानी कि जितने खरीदने वाले ज्यादा होंगे। फिफ्थ पॉइंट है मुद्रा सौदे। आज के विश्व में मुद्रा विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब होता है लेन देन का, यानी कि मुद्रा से क्या करा जाता है, आज के समय में लेन देन की जाती है। उपभोक्ता बाजार में वस्तुएं तथा सेवा खरीदने के लिए विक्रेता को मुद्रा देते हैं, इसलिए मुद्रा बाजार को अलग नहीं किया जा सकता। मुद्रा बाजार को आप अलग कर नहीं सकते हो, क्योंकि जब भी तुम्हें कोई वस्तु खरीदनी है तो तुम क्या करोगे, वस्तुओं को खरीदने के लिए आपको मुद्रा तो देनी पड़ेगी, तभी आप वस्तु को खरीद पाएंगे। ये जो टॉपिक मैं इसमें इस पार्ट के अंदर रीड कर रहा हूं, वो तो मैं आपकी बुक से ही करूंगा, जो कि पेज नंबर है 152 में आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमारा विभिन्न प्रकार के बाजारों का रूप कैसा होता है। फर्मों की संख्या होती है। बाजार में फर्मों की संख्या किसी फर्म का वस्तु की कीमत पर नियंत्रण की मात्रा का संकेत देती है। फर्म उदाहरण के लिए यदि बहुत सी फर्म एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रही है, तो एक फर्म बाजार पूर्ति के थोड़े से भाग की पूर्ति करती है, और इसलिए बाजार पूर्ति प्रभावित नहीं करती। परिणाम स्वरूप कीमत को भी बहुत अधिक नहीं प्रभावित कर सकती। इसी प्रकार यदि बाजार में केवल एक ही फर्म है, तो बाजार पूर्ति के अकेले निर्धारक होती है, कीमत पर अधिक मात्रा में नियंत्रण करती है। इसका मतलब यह है, पर बाजार के अंदर ऐसा भी देखा जाता है कि कम कीमत की वस्तुएं भी बेची जा रही है, और कहीं कहीं आप देखते हो कि एक ही दुकान है किसी चीज की, तो उसको क्या कहते हैं,
वो ज्यादा कीमत वसूलता है, अगर उसकी एक ही दुकान होती और कोई किसी और की दुकान उसके जैसी नहीं होती तो वो ज्यादा कीमतें वसूलने लग जाता है। और ऐसी दुकानें भी देखी होगी आपने, परचून की दुकान जैसे, कि बहुत सी दुकानें ऐसी है कि सबके रेट सेम होते हैं। तो इसी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये आपके इस पार्ट में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन जान रहे कि क्या होता है बाजार। तो अलग अलग बाजार होते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बी है फर्मों के प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता। यदि कोई फर्म बाजार में बिना किसी हानि के आसानी से प्रवेश कर सकती है अथवा बाजार को छोड़कर जा सकती है तो कीमत स्थिर होगी, दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। यदि नई फर्मों की प्रवेश पर पाबंदी है तो वर्तमान फर्मों के नियंत्रण की मात्रा अधिक होगी तथा अधिक लाभ की संभावना में वृद्धि होगी, क्योंकि उस स्थिति में फर्मों में प्रतियोगिता कम होगी। इसमें यह बता रखा है कि अलग अलग बाजार होंगे, कोई ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर आप भी दुकान खोल सकते हो और आसानी से बंद भी कर सकते हो, कोई ऐसी मार्केट होती है आसानी से उसमें आप एंटर नहीं कर सकते उस मार्केट के अंदर, और उससे निकलना बहुत ही मतलब बहुत ही टफ होता है और आना तो बहुत और उससे भी ज्यादा टफ होता है कि किस तरीके से अपनी मार्केट बनाई जाए। तो हम इन सब के बारे में पहले ही बता दिया मैंने, नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे इजिली। इसी को तो हम इंट्रोडक्शन के रूप में जान रहे हैं बस। लास्ट पॉइंट है इसका उत्पादन विभेद की मात्रा। इसका सामान्य अर्थ यह है कि किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तु कितनी अनन्य है। जितनी अधिक मात्रा में अनन्यता होगी फर्म के कीमत निर्णयों पर उतना ही अधिक नियंत्रण होगा। यदि विभिन्न फर्मों द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तुएं समरूप होती है तो व्यक्तिगत फर्मों का कीमत निर्धारण में नियंत्रण कम हो जाता है। उत्पादन विभेद की मात्रा यानी कि अगर अलग अलग दुकानों पर अलग अलग वस्तुएं बेची जाती है तो जो बेचने वाला यानी जो विक्रेता है वो अलग अलग वस्तुएं वसूल सकता है। तो जानेंगे और इसमें हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहते हैं या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता क्या होती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाजार के कई रूप होते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं बाजार के रूप कौन कौन से होते हैं। बाजार के रूप में आता है एक पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि एक बाजार को कई सारे प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, एकाधिकारी एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकारी प्रतियोगिता और एक होता है अल्पाधिकार। बाजार के रूप में चार तरह के बाजार होते हैं, एक होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एक होता है एकाधिकारी, एक होता है एकाधिकार और एक होता है अल्पाधिकार। इन चार बाजारों के बारे में हम जानेंगे, पर इस वीडियो में हम सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार किसे कहा जाता है। इसके हम अर्थ को जानते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा वस्तु समरूप होती है। इस स्थिति में वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। इसका एक एग्जाम्पल यह है कि एक परचून की दुकान का होना, अगर जो परचून की दुकान पर जो सामान मिल रहा है तो अगली दुकान पर भी वैसे ही रेट में सामान मिल रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप एक दुकान पर जाते हो और एक मैगी खरीदते हो जिसका रेट 10 रुपए है, तो अगर वो दुकानदार 10 रुपए की मैगी को 12 रुपए की या 11 रुपए की बेचने लग जाए तो आप दूसरी दुकान पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो मैगी है वो 10 रुपए उसका रेट है, तो आप अगली दुकान से लेना पसंद करेंगे। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर उपभोक्ता को जानकारी होती है कि जो वस्तु है कितने रुपए की मिल रही है, और इसके द्वारा ही ये देखा जाता है कि जो वस्तु एक दुकान में मिल रही थी दूसरी दुकान पे भी वही वस्तु मिल रही होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि एक दुकान के द्वारा जो वस्तु बनाई जा रही है वो दूसरी दुकान द्वारा ना बनाई जाए। इसके अंदर जैसे कि आप मैंने बताया आपको कि परचून की दुकान में अगर मैगी मिल रही है तो उसके जैसी 10 दुकानों पर वैसी ही मैगी मिल रही होगी सेम, और चाहे कोक मिल रही है तो कोक भी सेम रेट में सेम
अलग अलग दुकानों में मिल रही होती है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेता, विक्रेता का मतलब बेचने वाले, और क्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाले ज्यादा होते हैं। विक्रेता भी ज्यादा है इसके अंदर और क्रेता भी ज्यादा है। और वस्तु क्या है? समरूप। समरूप का मतलब सेम होती है दुकानों के अंदर। जैसे कि मैगी का एग्जांपल मैंने आपको बताया। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु के बहुत अधिक क्रेता तथा विक्रेता होते हैं तथा वस्तु समरूप होती है। इस स्थिति में वस्तु की कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित होती है। उद्योग द्वारा निर्धारित होती है यानी कि जिस कंपनी ने जिस रेट पर सामान बेचा था परचून की दुकान वाले को उतने ही रेट पर सामान को बेचना पड़ेगा। फिर आता है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है। और इसमें पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई इस नियम के खिलाफ जाता है यानी कि कोई समरूप वस्तु को महंगी करके बेचता है तो उपभोक्ता उस वस्तु को उस दुकान से खरीदना पसंद नहीं करेंगे, दूसरी दुकान पर खरीदना पसंद करेंगे। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या होती है। विशेषता यानी कि खासियत क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, बहुत अधिक विक्रेता। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तथा एक विक्रेता की बाजार पूर्ति बहुत कम होती है जिसके कारण वह कीमत प्रभावित नहीं कर सकता। इसके अंदर क्या होता है? वस्तु को बेचने वाले कितने होते हैं? बहुत अधिक होते हैं जिसके कारण वह कीमत को निर्धारित नहीं कर सकता है। अब कीमत को निर्धारित करने का मतलब क्या होता है? यानी कि वो अपनी मनचाही कीमत वसूल नहीं कर सकता है किसी वस्तु पर, इसलिए उसको सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा होता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में। फिर आती है समरूप वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु अपने रंग रूप गुण वजन आकार आदि में समान होती है जिसमें जिसके कारण इनकी कीमत भी समान होती है। अब समरूप वस्तु मैंने आपको बताया कि एक मैगी जिस दुकान में मिल रही थी दूसरी दुकान पे भी वही सेम मैगी उसी रेट पे मिल रही होगी। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु मिल रही होती है एक दुकान पे दसों दुकानों पर भी सेम वस्तु मिल रही होती है सेम रेट पर। अगर कोई विक्रेता इसके खिलाफ जाता है तो उपभोक्ता उस दुकान से उस वस्तु को खरीदना पसंद नहीं करता है और दूसरी दुकान पे जाना पसंद करता है। फिर है थर्ड पॉइंट, फर्मों का उद्योग में प्रवेश और छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए तथा छोड़ने के लिए पूर्णतः सतर्क है जिसके कारण फर्म को दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। इसके अंदर क्या है कि आपको अगर परचून की दुकान खोलनी है तो आप आसानी से खोल भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में, और तुम बंद भी कर सकते हो मार्केट को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म उसमें प्रवेश करने के लिए और उससे हटने के लिए बिल्कुल सतर्क होती है जिसके कारण तो दीर्घकाल में यानी कि लॉन्ग पीरियड में क्या होता है, कम लाभ ही प्राप्त होता है सामान्य लाभ। फोर्थ पॉइंट है कीमत में नियंत्रण। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इस स्थिति में फर्म कीमत स्वीकारक होती है। क्या कोई एक विक्रेता अपनी मनचाही कीमत वसूल सकता है किसी एक चीज पर? जैसे अगर हमने मैगी का एग्जांपल लिया, क्या कोई विक्रेता मैगी जो 10 रुपए की मिलती है उसको क्या 12 रुपए 11 रुपए में बेच सकता है? तो नहीं बेच सकता, क्योंकि उस स्थिति में उपभोक्ता दूसरी दुकान पर जाना पसंद करेगा। इसलिए इस स्थिति में विक्रेता या फर्म कीमत स्वीकारक होती है, यानी कि जो रेट था उसी को लेगी वो। फोर्थ पॉइंट है मांग वक्र की स्थिति, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है मांग वक्र की स्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है अर्थात ओएस अक्ष के समानांतर होता है। इसमें मांग वक्र क्या होता है? ओएस अक्ष के समानांतर होता है और मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है यानी कि फ्लेक्सिबल होगा इसके अंदर मांग वक्र। सिक्स्थ पॉइंट है विज्ञापन एवं परिवहन व्यय का अभाव। विज्ञापन का मतलब एडवर्टाइजमेंट, परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्ट पर खर्चा। क्या आप अपने माइंड से सोचिए, क्या इस पर खर्चा कोई करेगा परिवहन पर या विज्ञापन पर? तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म विज्ञापन व्यय भी नहीं करती, परिवहन व्यय भी नहीं करती। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म अपनी वस्तु को बेचने के लिए किसी भी प्रकार का यातायात एवं विज्ञापन व्यय नहीं करती, यानी कि इसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता क्योंकि सेम रेट पर वस्तु बेचनी होती है तो वो विज्ञापन व्यय भी नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को, और अब हम शुरू कर रहे हैं कि एकाधिकार किसे कहा जाता है। एकाधिकार से ही पता चल रहा है
एक का अधिकार, किसका अधिकार, एक जने का अधिकार होना। तो हम यहां पढ़ते हैं कि एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है अगर वस्तु की निकट स्थानों में वस्तु का अभाव होता है। क्या होता है, वस्तु को बेचने वाला कितना होता है, एक होता है, इसलिए इसको एकाधिकार का नाम दिया गया है। अब वो कह रहे हैं निकट स्थानों पर वस्तु का अभाव होता है, यानी कि कब होगा एकाधिकार, जब जो सामान एक दुकानदार बेच रहा है वो सामान दूसरे दुकानदार नहीं बेच रहे हैं, तब एकाधिकार स्थापित होता है। माना कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में एक दुकान है जो जीन्स को बेचती है, उसके अलावा कई किलोमीटर दूर तक कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जो जीन्स को बेचती है, तब उस स्थिति के अंदर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। जैसे कि कुछ समय पहले, कई साल पहले, पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली विद्युत बोर्ड ही बिजली को सप्लाई करता था, पर आजकल प्राइवेट भी कंपनी आ गई जो बिजली को सप्लाई करती है। उस स्थिति में 10-15 साल पहले दिल्ली विद्युत बोर्ड अकेला एकाधिकार था उसका बिजली पर, जो कि बिजली को सप्लाई करता था। तो एकाधिकार का मतलब क्या होता है, एक का अधिकार। फिर हम पढ़ते हैं एकाधिकार की विशेषताएं। पहला पॉइंट है इसका एक विक्रेता। एकाधिकार की स्थिति में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है तथा वह व्यक्तिगत रूप से कीमतों को प्रभावित करता है। कितने विक्रेता होते हैं, एक विक्रेता होता है और व्यक्तिगत रूप से वस्तु को प्रभावित कर लेगा। वो कैसे कर लेगा, क्योंकि आपके क्षेत्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके क्षेत्र में माना एक है जीन्स को बेचने वाली दुकान है और कई किलोमीटर दूर तक कोई ऐसी दुकान नहीं है जो जीन्स को बेचती हो। उस स्थिति में माना कि अगर वो आपका फ्रेंड है तो आपको तो वो 1000 की जीन्स आपको 800 रुपए में भी दे देता है, और अगर कोई अदर पर्सन आता है तो वही जीन्स उसको 1000 रुपए की जीन्स वो 1500 भी बेच देगा, और अपने करीबी रिश्तेदारों को और सस्ती बेच देगा। इसका मतलब है कि वो एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेचने के लिए बेच सकता है, उसके पास इतने पावर है कि अब वो उसको एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है, क्योंकि उसका उस पर अधिकार है, यानी कि उसका खुद का अधिकार है। फिर है हमारा उद्योग, नई फर्मों का उद्योग में प्रवेश। क्या नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर सकती है, अगर किसी को मोनोपोली की या एक अधिकार के कंडीशन में अपनी दुकान खोलनी हो। एक अधिकार की स्थिति में नई फर्मों के उद्योग के प्रवेश पर कई प्रकार के प्रबंध होते हैं या कठिनाइयां आती हैं। किस तरीके से कठिनाइयां आएगी, मैंने जैसे आपको बताया जीन्स का एग्जांपल, जीन्स की शॉप का, कि वो माना 10-15 साल से दुकान है उसकी और पूरे कई किलोमीटर दूर तक उसकी औरों की कोई दुकान है ही नहीं वहां पर। अगर आप भी चाहते हैं कि उसके ज्यादा प्रॉफिट कमाए, क्या आप इजिली उस दुकान, अपनी दुकान जो खोल कर प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उसका आंसर है नहीं, आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि उस स्थिति में जो लोग, जो उसके कस्टमर थे, उस पर ज्यादा विश्वास रखेंगे, क्योंकि उसके द्वारा बेची जाने वाली चीज क्या है, वो उनका विश्वास जीत चुका है, क्योंकि वो 10 से 15 साल से उस शॉप का मालिक है और जीन्स को बेच रहा है। तो आपके पास आने के लिए, अगर वो आपके पास आएंगे तो पहले तो उनको हेजिटेशन होगी कि वो इस शॉप से जो सामान खरीदेंगे हम वो अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा। इसलिए आपको शुरू शुरू में कई महीनों तक, कई बार एक दो साल तक आपको एकाधिकार में नुकसान उठाना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। फिर है फोर्थ पॉइंट, कीमत पर नियंत्रण। एकाधिकार की स्थिति में फर्मों का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है, इस स्थिति में फर्म कीमत निर्धारक होती है। इसमें क्या है, एक अधिकार की स्थिति में फर्म का नियंत्रण होता है। जैसे कि वो जीन्स का क्या कर रहा था, आपको तो 800 रुपए की बेची थी उसने, और अपने रिलेटिव को और कम, और कोई अदर पर्सन को 1000 रुपए से भी ज्यादा, यानी कि 1500 रुपए की जीन्स बेची थी। इस स्थिति में फर्म कीमत पर निर्धारक होती है। फिफ्थ पॉइंट है मांग वक्र की स्थिति। एक अधिकार की स्थिति मांग वक्र कैसा होता है, बेलोचदार, यानी कि नहीं बदलेगा, उसका जो मन करता है जिस रेट पर वस्तु को बेचने का, वो उस पर उस वस्तु को उसी रेट पर बेच सकता है, इसलिए मांग वक्र बेलोचदार होता है। फिर कीमत विभेद। विभेद का मतलब होता है अंतर।
एक अधिकार में संभव है कि फर्म एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेचे। इसके अंदर क्या संभव है कि फर्म एक ही कीमत को अलग अलग कीमतों पर बेचे, जैसे मैंने आपको बता दिया है, जैसे जीन्स का मैंने एग्जांपल दिया है। इसके अंदर फर्म एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पर बेच सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप फर्स्ट बुक के 4 चैप्टर को हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा लिखी गई बुक भारतीय अर्थव्यवस्था को Amazon, ShopClues और Flipkart पर खरीदना ना भूलें।